हुकूमत से है, बस इस दौर में हुकूमत से क्या कर सकते हैं, हुकूमत तो खुद लड़ रही है आपस में, बस हुकूमत से ये क्या। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, मैं फूड पांडा राइडर हूँ। अच्छा नदीम भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये हादसा आपके साथ कैसे हुआ और किस उम्र में हुआ? सर ये हादसा मेरे साथ वो है तकरीबन 8-10 साल की उम्र में ये हादसा हुआ, बचपन में इन्हीं के हादसा हुआ था मेरे साथ। ये सर ये हादसा 10-12 साल की उम्र में छत की दीवार मेरी टांग के ऊपर गिर गई थी। इलाज करवाने के बावजूद भी टांग का ऐसा कंडीशन हो गया था कि डॉक्टर ने टांग को काटना पड़ा। अच्छा कितने अरसे से फूड पांडा के ये काम कर रहे हैं और क्या इससे आपका गुजर बसर हो जाता है? सर फूड पांडा अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं तकरीबन 8-9 महीने से फूड पांडा कर रहा हूँ सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से सर, नमाज के बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह सर इससे गुजर बसर हो जाता है माशाल्लाह। अच्छा शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, घर का बताइए क्या सिलसिला है, किराए का है, अपना है, थोड़ी सी तफसील दीजिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शादीशुदा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, अल्लाह के फजल से घर भी अपना है माशाल्लाह। घर का चलाने वाला मैं खुद हूँ, खुद घर का इनके सारा अखराज जो भी है वो सारा मैं खुद चलाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई शिकवा कोई गिला रब्बे करीम से कि ये माजूरी आपको दी, और जो लोग ऐसे हैं जो इस तरह के माजूर हैं उनको क्या मैसेज देंगे? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से कोई शिकवा गिला नहीं को, अल्लाह पाक जो इंसान के लिए करते हैं वो बेहतर ही करते हैं। अल्लाह पाक कभी इंसान के लिए बुरा सोच ही नहीं सकते। बाकी वो जो भाई हमारे अपने माजूरी को नुकसान समझते हैं कि वो भीख मांगने को इनके तरजीह देते हैं, उनसे यही है कि भाई देखो अल्लाह पाक पूरे कायनात के निज़ाम को चला रहा है, सारी मखलूकातों को पैदा करके भी अल्लाह पाक उनको रिज़क दे रहा है। आप इस बात पे यकीन करें, मेहनत करें और जज्बे से जो करना चाहें कर लें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करेगा उस मामले में। अच्छा बस ये बताइएगा कि जो भी ये हादसा आपके साथ हुआ है क्या इसका कभी आपने मेडिकली करवाया, क्या खर्चा आ सकता है, क्या इलाज मुमकिन है इसका और क्या चाहते हैं आप? सर इसका तो देखो मेडिकल अब तो ही नहीं हो सकता क्योंकि मेरा एक जो टांग अलग हो गया, बिल्कुल कट गया, एक मसनूई टांग लगा हुआ है, वो भी ये मसनूई टांग सही नहीं है। अगर कोई ऐसा है जो मेरे साथ ऐसे कोई कोऑपरेट करे, कोई ऐसा मसनूई टांग लगा जिससे मैं बगैर बैसाखी से चल पाऊँ, ये ऐसा टांग है जैसे इसके साथ मैं एक बैसाखी के बगैर चल नहीं पाता। अभी गर्मी है, गर्मी में यानी कि इसको एक बैसाखी के साथ चलना पड़ता है। अगर कोई ऐसा हो, कोई भाई अगर मेरा वीडियो देख रहा हो और मेरा मदद करना चाहे तो भाई जी बिस्मिल्लाह। अच्छा जो ये काम आप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है लोग आपसे फूड पार्लर पे खाना डिलीवर करवाते होंगे, बिल्डिंग्स भी हैं, ऊपर भी चढ़ना होता होगा, तो कभी लोगों ने इस बात पे आपको एतराज़ किया कि ऊपर आकर दो, या आपने कोई बताया ऐसा कोई वाक्य शेयर करना चाहें ताकि जो लोग मंगवा रहे हैं और वो नदीम भाई उनको नज़र आ जाएँ तो वो क्या कॉपरेट करें आपके साथ के नहीं? ये सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कर रहा हूँ ना 8-9 महीने से। मैं जहाँ पहुँचता हूँ पहले अगर देखता हूँ भाई 3री मंजिल है, 4थी मंजिल है, बगैर लिफ्ट वाली है, पहले उनको मैं फ़ोन करके बता देता हूँ देखो भाई मेरे साथ टांग का ये मसला है, अगर बराए मेहरबानी आप किसी को भेज सकते हो तो भेजो किसी बच्चे को। ज़्यादातर लोग अल्हम्दुलिल्लाह आ जाते थे। कल भी ऐसा सीन हुआ, चौथे फ्लोर का था, मैंने लड़के को फ़ोन किया, लड़का बेचारा आ गए थे। इनके मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से लोग बहुत कोऑपरेट कर देते हैं, आ जाते हैं। अच्छा आखिर में सिर्फ कोई हुकूमत से कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, कोई बात कहना चाहें अपने मुतालिक, मतलब इस नेगेटिव इम्पैक्ट से नहीं पॉजिटिव के, अगर कुछ आपकी किसी सिलसिले में भी कोई मदद हो सके हुकूमत के लेवल पे, तो कोई मैसेज अगर देना चाहें, क्योंकि ये वीडियो इंशाल्लाह ताला जॉब के लिए, अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन आपको मिल सके, कितने पढ़े लिखे हैं ये बता दें। सर हुकूमत से है, बस इस दौर में हुकूमत से क्या कर सकते हैं, हुकूमत तो खुद लड़ रही है आपस में, बस हुकूमत से ये है कि अगर हमारी वीडियो उन तक पहुंचती है उनसे हम कोई ऐसा कुछ मांगना नहीं चाहते। अगर कोई नौकरी ऐसा मिले सरकारी नौकरी जिससे हमारा गुजर बसर अच्छा चले, ये फूड पांडा वाला काम ऐसा है सर, इसमें तो आपको पता है 6 घंटे लगातार घूमना है बाइक में, मैं खुद माजूर हूँ, अभी हिम्मतें कर रहा हूँ, आगे उम्र का तकाजा होगा फिर कहाँ हो पाएगा। बस गवर्नमेंट से यही अपील है कि अगर हमारा वीडियो उस तक पहुंचता है तो हमसे कोई मदद कर ले हमारा, बाकी गवर्नमेंट से यही अपील है। अच्छा क्या क्वालिफिकेशन है आपकी, कितने पढ़े लिखे हो, अगर यहाँ कोई वीडियो आपकी देख रहा हो तो? सर मैं पढ़ा लिखा बिल्कुल ही नहीं हूँ। नहीं तो ऐसी जॉब्स भी होती है ना जिसमें पढ़ाई, कोई अगर कोई साहिब है इस वक्त देख रहा है वीडियो और वो ये समझता है कि आपको कोई ऐसा रोज़गार मिल जाए
जिसमें आप बैठ के काम कर सको। बहुत सारी चीज़ें यहाँ तो पढ़े लिखे जा ही नहीं भाई, कम से कम आप में वो सलाहियत मैंने देखी है कि कोई कह नहीं सकता कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, क्योंकि एक शऊर तालीम जो है शऊर तो सिखाती है, लेकिन अगर शऊर ना हो तो फिर तालीम बेकार है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप बैठ के कर सको, अगर कोई आपसे मतलब दे तो करोगे आप जॉब? जी हाँ, कोई ऐसा अगर जॉब मिले जो समझ में आए, जैसे बैठने का काम हो, उसमें थोड़े बहुत पैसे अच्छे हों, बाकी थोड़ा आज़ाद ड्यूटी हो, तो उसमें इंशाल्लाह फिर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। करें, बहुत शुक्रिया मोहर मेहरबानी नदीम भाई। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत को होगे। वीडियो आपने देख ली एक और फूड पांडा राइडर, इससे पहले भी मैं एक वीडियो कर चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी है, सुहेल अहमद की, जिसमें वो उसका राइट हैंड जो है वो हैंडीकैप था और फिर भी वो कर रहा था, तो ऊपर आई कार्ड में चल रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है कि कल के दिन मैं सुहेल अहमद को एक जगह पर लेके जा रहा हूँ और हो सकता है कि उसका जो है एक रोबोटिक हैंड लग जाए। तो ये थे आज की वीडियो के फूड पांडा राइडर नदीम। मैंने इनको कांटेक्ट किया और इनसे जाके मिला, बड़ी खुशी हुई, बड़ा मतलब कहना चाहिए कि हम्बल पर्सन, बहुत ज़्यादा मतलब इसके ज़बान पे कोई गिला ही नहीं था, कोई शिकवा ही नहीं था। बस कोशिश आज की वीडियो की ये है कि अगर आप में से कोई भी साहिब हैसियत शख्स इस शख्स के लिए कुछ करना चाहता है, तो यहाँ मेरा व्हाट्सअप का नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सअप के नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको इस तक मतलब नदीम, मोहम्मद नदीम तक पहुँचा दूँगा। और दूसरी चीज़ ये कि बस इतना छोटी सी बात है, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपनी वॉल पर, अपने सोशल मीडिया पर, ताकि ये भी एक समझ लें कि एक अच्छी चीज़ होगी मोहम्मद नदीम के लिए कि उसकी वीडियो शायद किसी जगह तक पहुँच जाए जहाँ उसके लिए कुछ हो सके। आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इस तरह की कोई भी चीज़ आप समझते हैं कि आपके इलाके में कुछ है जिसको हम कवर कर सकते हैं, हम उसको सोशल मीडिया ला सकते हैं, तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं हाज़िर हो जाऊँगा। और अगर वो मैं समझूँगा कि उसको सोशल मीडिया पर लाना है तो ज़रूर लाऊँगा। अगली किसी और वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला बहुत जल्द मैं मोहम्मद नदीम की एक सेकंड वीडियो करूं जिसमें उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ हो रही हो, कोई पॉजिटिव चीज़ हो रही हो, शायद उसको टांग लग जाए, शायद उसको कोई जॉब मिल जाए, या शायद उसके लिए कुछ बेहतर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।